गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से चैप्टर 6 लिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा। बच्चों मैंने सबसे पहले आपको जब संज्ञा पढ़ाया था तो आपको पता है हर चीज के नाम होते हैं, यानी जगहों के नाम होते हैं, है ना, व्यक्तियों के नाम होते हैं, स्थानों के नाम होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं और भाव के नाम होते हैं, है ना। ऐसे मैंने आपको बताया है ना। अब ये नाम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्त्री जाति और पुरुष जाति, यानी इनमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के भी नाम होते हैं। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। लिंग क्या है? लिंग वे शब्द होते हैं जो हमें स्त्री और पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, है ना। अब आपको पता है लड़का लड़का है और लड़की लड़की है। दादाजी दादी जी, दादाजी मतलब पुरुष है और दादी स्त्री है। तो जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति, है ना, और पुरुष जाति के बारे में पता चलता है उन्हें ही बच्चों हम लिंग कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? यानी आइए मैं आपको यहाँ बताती हूँ लिंग का क्या अर्थ होता है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले यानी बताने वाले, है ना, जिनसे हमें पता चलता है, वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का लड़की, मोर मोरनी। अब लड़का सबसे आपको पता है ना कि ये पुरुष जाति का है, और लड़की से भी आपको पता है कि ये स्त्री जाति का है। मोर मोर पुरुष जाति का है, क्योंकि हम लोग कभी कभी समझ में नहीं आता ना आपको, आप बोलोगे ये आदमी तो है नहीं, लेकिन हम लोग जब वाक्य बनाते हैं, लेकिन ये पुरुष जाति का शब्द है, है ना, शब्द जो है वो पुरुष जाति का। मोर एक नाम है ना बेटा, मैंने आपको बताया है। तो अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो हम लोग एक इसका छोटा सा वाक्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मोर नाच रहा है, है ना, नाच रहा है यानी वो पुरुष जाति का शब्द है, इसलिए हम लोगों ने नाच रहा शब्द इस्तेमाल में लाया है, है ना। अगर मोरनी होती, अगर मान लीजिए मोरनी है, तो हम लोग बोलेंगे मोरनी नाच रही है, तो नाच रही शब्द जो है वो स्त्री जाति शब्द को से पता चलता है कि ये स्त्री जाति का शब्द है। तो बच्चे जिन शब्दों से हमें वाक्य में स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब अच्छे से आपको पता हो चल गया होगा लिंग किसे बोलेंगे, यानी स्त्री जाति और पुरुष जाति का शब्द, इन्हें हम लोग स्त्री लिंग और पुलिंग भी बोलते हैं। चाहे आप स्त्री जाति का शब्द बोलिए या फिर स्त्री लिंग बोलिए, या फिर पुरुष जाति का या फिर पुलिंग बोलिए, एक ही बात है, है ना। स्त्री लिंग और पुलिंग उन्हें ही कहते हैं जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या नहीं किसी स्त्री या किसी पुरुष के बारे में पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे मैं बोलती हूँ रमा कानपुर गई, तो कानपुर कौन गया? रमा। रमा चूंकि एक लड़की है इसलिए वो स्त्री जाति का शब्द है। अगर मैं बोलती हूँ सोहन दिल्ली से आ रहा है, तो सोहन जो है ना वो पुरुष जाति का शब्द है, है ना। इससे आपको पता चलता है, यानी इस वाक्य में दो शब्द आए, एक तो रमा और रोहन। तो रोहन जो है या फिर राम कह लीजिए, तो जो ये शब्द है, अब रमा एक लड़की का नाम है तो वो स्त्री जाति का शब्द है, और राम या रोहन जो है वो एक लड़के का नाम है, इसलिए ये पुरुष जाति का शब्द है। बच्चों लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्रकार भी लिखे हुए हैं लिंग के, यानी लिंग किसे कहते हैं पहले तो, जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं, है ना। अब जैसे मैं बोलूंगी शेर और शेरनी, तो शेर पुरुष जाति का है और शेरनी स्त्री जाति का, यानी वो पुरुष पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। अब ये लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो हमें किसी स्त्री जाति या औरत जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी मोरनी मेज आदि, ये सब जो है वो स्त्री जाति के शब्द हैं, इसलिए इन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुल्लिंग किसे कहते हैं बेटा? पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी पुरुष जाति के बारे में पता चलता है उन्हें हम
पुलिंग बोलते हैं, जैसे रमेश, रोहन, दादा जी, चाचा जी, नाना जी, है ना, शेर, घोड़ा, ये सभी शब्द जो हैं वो पुलिंग हैं, यानी पुरुष जाति के हैं, इसलिए इन्हें हम पुलिंग में रखते हैं। चलिए अब आपकी बुक से पढ़ाते हैं, ये चैप्टर है आपका, और देखिए चैप्टर में बताती हूँ मैं लिंग का अर्थ क्या है, या लिंग की पहचान क्या है, या पहचानने का साधन क्या है। शब्द के जिस रूप या चिन्ह से ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। अब जैसे मोर, मोरनी, अब मोर शब्द जो है, यानी मोर शब्द का चिन्ह जो, यानी मोर चिन्ह जो है ना, वो किसका है, पुरुष जाति का है, और मोरनी स्त्री जाति का शब्द है, इसलिए मोर और मोरनी है ना, ये जो इन्हें को ही हम, अब मोर से हमें पता चल रहा है ये पुरुष है, पुरुष जाति का है, और मोरनी से पता चल रहा है कि स्त्री जाति का है, तो ये शब्द या चिन्ह जो है वो ही लिंग कहलाते हैं। इससे इसी तरीके से और भी आपके इसमें उदाहरण दिए गए, जैसे शेर, शेरनी, दादा, दादी, और राजा, रानी, शिक्षक, शिक्षिका, गुड्डा, गुड़िया, है ना। अब आपको समझ में आ गया, अब लिंग के कितने प्रकार होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति के बारे में पता होता है, या पुरुष जाति की जानकारी कराने वाले शब्द जो हैं वो पुलिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, मोर, दादा, और राजा, शिक्षक, गुड्डा, धोबी, मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा भी पुरुष जाति का शब्द है, हम लोग बोलते हैं ना मुर्गा कुकड़ू को आवाज लगा रहा है ना, लगा रहा है, इट मीन्स ये पुरुष जाति का शब्द है, इसलिए इसे हम लोग पुलिंग शब्द समझते हैं, है ना। इसके बाद पिता है, मामा है, चाचा है, आदमी, ये सारे पुरुष जाति के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अब स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग है, जैसे मुर्गी, पुत्री, औरत, मामी, माता, चाचा, सॉरी चाची, है ना, चाची, चाचन, है ना, तो ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं, है ना, इनसे हमें पता चल रहा है ये सारे शब्द स्त्री जाति के शब्द हैं और स्त्री के बारे में हमें पहचान कराते हैं। चलिए इसके अलावा कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे मौसा का स्त्रीलिंग क्या होगा, मौसी, है ना, नाना का क्या होगा, नानी, चाचा का क्या होगा, चाची, घोड़ा का घोड़ी होगा, बेटा का बेटी होगा, मोर का मोरनी होगा, और शेर का शेरनी होगा, ऊंट का ऊंटनी होगा, है ना, नौकर का नौकरानी होगा, सेठ का सेठानी होगा, इस तरीके से और भी शब्द दिए गए हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द जो होते हैं वो पुलिंग ही होते हैं, उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे घर है, अब घर का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है ना, घर के, घर है, अगर हमने घर कहा तो वो पुरुष जाति का, ये मेरा घर है ना, ऐसे बोल देंगे, और ये घरी, घरी तो कुछ होता नहीं है ना, है ना, तो इसलिए घर जो शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुलिंग जाति यानी पुरुष जाति के ही रहते हैं। अब दरवाजा है मान लीजिए, फिर पार्क है, और फिर इंजन है, इसके बाद आम है, फूल है, और स्कूल है ना, और सूरज है, एप्पल है, सेब है, और अमरूद है, तो ये सारे शब्द जो हैं वो, या ये सभी चीजें या नाम जो हैं ये पुरुष जाति के हैं, है ना। अभी हमें सूरज निकल आया तो ये हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, नहीं पहचान कराते हैं। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं, उनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है ना, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कार है, मेज है, और कमीज है, लौकी है, इसके अलावा झोपड़ी है, चाबी है, और घड़ी है, लीची है, कुर्सी है, खिड़की है, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अच्छा इसके अलावा बच्चों कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं, जैसे मैंने बोला शेर, शेरनी, लौकी, मेज, घर, आम, सेब। अब आप इसमें से पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को अलग करिए। अब जो घोड़ी है मान लीजिए, है ना, मोरनी है, दादी है, चाची है, तब तो आप अलग कर लेंगे। मान लीजिए सेब आ गया, अब आपको नहीं पता है कि ये किस लिंग का होगा या कौन सी जाति में आएगा, इसी जाति में या पुरुष जाति में, तब आप कैसे पता करेंगे, या तो आप इन पर क्वेश्चन कीजिए, सेब कैसा है ना, तो अगर आप छोटा सा क्वेश्चन करते हैं
तब तो ठीक है, नहीं तो आप एक छोटा सा वाक्य बनाइए। सेब मीठा है, अगर स्त्री जाति का होगा तो हम लोग बोलेंगे सेब मीठी है ना। तो जब पुरुष जाति का शब्द होगा तो इस तरीके से वाक्य बनेगा, है ना बेटा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्री जाति का शब्द है या फिर पुरुष जाति का है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? अब जैसे सारे देशों के जो नाम होते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, ये सभी पुल्लिंग ही होते हैं। ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी पुरुष जाति के होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे नाक है, आंख है, कान, आंख है, नाक है, है ना, और इसके अलावा गर्दन है, ये केवल कान नहीं है ना, तो ये जो है वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, है ना बेटा, और इनके पुल्लिंग नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक और है पहचान करने का तरीका, यानी वाक्य में जो क्रिया लगी है उससे हमें पता चलता है कि ये शब्द किस लिंग का है। जैसे मैंने बोला अभी सेब मीठा है, मीठा है इट मीन्स ये पुरुष जाति का शब्द है। अगर मैं बोल देती मीठी है तो स्त्री जाति का, मीठा है मीठी है, पता चल रहा है कि स्त्री जाति और पुरुष जाति के शब्द है। अब ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया ना, जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से कहो या फिर आप चिन्हों से कहो, ठीक है। और लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति के शब्दों के बारे में पता चलता है और पुल्लिंग से पुरुष जाति के शब्दों के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने अगर मान लीजिए बोला धोबी, तो धोबी पुरुष जाति का शब्द है, ठीक है ना। ऐसे अब इसके बाद देखिए बुक एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें से आपको इसी तरीके से मैं बता रही थी कि सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिले हुए आएंगे और आपको इनमें से अलग अलग करना है, पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंग कौन से हैं। ये मैंने जूम एक्सरसाइज जो है जूम क्लास में आपको करवाई है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और इनके हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर मोर बना है, मोर का चित्र है, लेकिन ये क्या होगा, यानी क्या होगा इसका, हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। अब मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, मोरनी, है ना। अब ये बूढ़ा है तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बुढ़िया। ये औरत है तो सॉरी, ये आदमी है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, औरत, है ना बेटा। अब इसकी दूसरी एक्सरसाइज देखिए आप बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र है, पतंग बनी है और पतंग के अंदर कुछ लिंग लिखे हुए हैं, है ना, उनमें लड़का और लड़की दोनों के लिखे हैं, जो एकदम अलग लिंग है, यानी दूसरे लिंगों से अलग लिखा है, उनको आपको छांट के नीचे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए लड़का, धोबी, माली, महिला और नल लिखा हुआ है ना। अब इसमें धोबी, लड़का और माली सब और नल, ये एक जाति के हैं, यानी पुरुष जाति के शब्द हैं। नल चल रहा है ना, लेकिन महिला जो है वो स्त्री जाति का शब्द है, तो इसलिए हम लोग महिला यहाँ पर चरखी में लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पर देखिए दादा है, इसका यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको लिखना है, जैसे दादी, ठीक है बेटा। और ये मैचिंग है, ये आपको कर लेनी है। एक बार आप खुद से भी पढ़ के देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप जूम क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।